योगेंद्र यादव जुड़ गए। योगेंद्र जी, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, शर्मिंदा हैं आज आप ये तस्वीरें देखकर? जिम्मेदारी लेंगे अब आप इनकी? अभी मैं कोई तस्वीर तो देख नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद शाहजहांपुर की परेड में हूँ, जो कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, लेकिन मेरे पास फोन पर खबर आ रही है कि बाकी जगह पे, तीन जगह पे बैरिकेड टूटे हैं, जो कि हमारे अनुशासन के खिलाफ हैं। सिर्फ बैरिकेड्स नहीं टूटे हैं सर, ये उस खंभे पर चढ़ा हुआ एक किसान युवा हमें दिख रहा है, जहां पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है, वहां पर बड़ी संख्या में किसान इस समय पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता रही हूं तस्वीरें। अगर ये है तो ये निसंदेह शर्मिंदगी का विषय है। गणतंत्र दिवस पर ऐसा कुछ भी होना आंदोलन के लिए, उस व्यक्ति के लिए और संगठन के लिए, सबके लिए शर्मिंदगी का विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं फिलहाल सिर्फ आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सभी किसान साथियों को, जो लाखों लोग इस आयोजन में शामिल हैं, सबसे अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस ने जो भी रूट दिया है उस रूट से बाहर न निकले, और जो लोग किसी भी वजह से बाहर निकल चुके हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, जहाँ हैं शांत रहे, शांति में ही हम। मुझे अच्छी तरह याद है कि लगातार मीडिया के सामने आप आ रहे थे, हमसे भी आपने बातचीत की थी, और लगातार आप ये वादा कर रहे थे कि किसान कभी उग्र नहीं होगा, ये तो अन्नदाता है, ये तो अनुशासन में रहना जानता है। लेकिन अब ये जो अनुशासन देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर टूटा है, एक युवा किसान ट्रैक्टर चढ़ा रहा है वर्दी के ऊपर, जिसे कहा जाए बेकाबू रफ्तार के साथ, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे अब इसकी? मैंने जैसे कहा, मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं है कौन है कहाँ है, लेकिन अगर किसी ने भी वर्दी वाले के ऊपर वाहन चलाने की कोशिश की है, ये निंदनीय है, पूरी तरह से अनुशासन से बाहर है, और इसका हर तरह से जब हम बैठेंगे पता करेंगे कौन थे, क्या एलिमेंट हैं। अभी मैं इन सबको कहना नहीं चाहता ये किसान हैं, हमारे संगठन के हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जो आप बता रही हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ ये घृणित है, ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। हम बार बार अपने मंच से कहते रहे हैं कि ये जो वर्दी वाला जवान है, ये तो वर्दी में खड़ा हुआ किसान है, इसके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, अगर ऐसी कुछ भी हरकत हुई है तो हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। योगेंद्र जी, अब आगे क्या, कैसे काबू करें इन किसानों को? अभी आगे का मैं नहीं देख रहा, मैं केवल आपके माध्यम से दोबारा अपील करना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम साथियों से। मैं जानता हूं आप में से अधिकांश ने, आप में से 90-95% ने डिसिप्लिन बना के रखा है, लेकिन 2-5% लोगों की वजह से, 2-5 भी हो सकता है ना हो, उनकी वजह से पूरा आंदोलन बदनाम हो रहा है। मैं सब किसान साथियों से, भाइयों से, बहनों से अपील करना चाहता हूं कि जो पुलिस ने रूट दिया है उसी रूट पर टिके, और किसी भी किस्म की हिंसा हमारी तरफ से ना हो, तोड़फोड़ की हरकत हमारी तरफ से ना हो, ये मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ। विश्लेषण पोस्टमार्टम तो बाद में करेंगे। योगेंद्र जी, क्या ये जो किसानों की भीड़ है ये आपसे, आप कंट्रोल के बाहर हो गई है आपके, और इसीलिए आप इतना असहाय महसूस कर रहे हैं आज? मैं ये स्पष्ट कर दूं, अभी तक जो मुझे सूचना है, देखिए मैं जिस परेड का हिस्सा हूँ, जो मेरे कंट्रोल में है और जिसकी जिम्मेवारी मेरे पास है, वो परेड पूरी तरह अनुशासित रूप से चल रही है, आधी पूरी हो चुकी है, आधी हो जाएगी। बाकियों पे टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास सूचना कम है, लेकिन जो सिंगू बॉर्डर में हुआ है वो सब एक ऐसे संगठन के द्वारा हुआ जो कि संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है, जिसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन को बता दिया था ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है, उनके द्वारा कल यहाँ शुरुआत हुई है। बाकी दो की सूचना, योगेंद्र जी, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, किन नेताओं की जिम्मेदारी थी? पूरी तरह से असफल। आपको अभी फिलहाल पोस्टमार्टम में हो सकता है, विश्लेषण में हो, मैं अभी केवल आगे देख रहा हूँ और जो कुछ हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए, मेरी केवल और केवल एक दिलचस्पी है, अभी भी आधा दिन बाकी है, और किसी तरह से ऐसी घटनाएं और ना हो। मैं आपके माध्यम से तीसरी बार अपील करना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथी मेरी बात को सुन रहे हों, सबसे अपील करना चाहता हूँ हमें ऐसा कुछ नहीं करना, और जो कोई किसी भी गलती से रूट से बाहर आ गए हों, अब आप या तो वापस अपने रूट में चले जाइए,
या फिर जहां है वहीं बैठे रहिए, कुछ कीजिए मत। ये कैसे मुमकिन है योगेंद्र जी, लाल किले के ऊपर धरना प्रदर्शन की इजाजत कैसे दी जा सकती है? आपने तो दो तरफा बात कर दी कि या तो लौट जाइए या वहीं बैठ जाइए। बैठ जाने का मतलब मेरा धरना देने से नहीं था, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कोई तोड़फोड़ की घटना आप मत कीजिए। बैठने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि धरना कर दीजिए वहां पे, मैं तो कह रहा हूँ वापस आ जाइए, और कुछ नहीं तो कम से कम तोड़फोड़ की कोई घटना ना हो, कोई उग्र घटना ना हो, जहां है वहीं रुक जाइए। योगेंद्र जी, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी चार बार आपके साथ बैठे, आपकी सारी बातें मानी, फिर भी वादा खिलाफी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप उन मीटिंग्स में नहीं थी, आप नहीं जानती थी, 6 बार मीटिंग हुई थी, उन्होंने सभी बात मानी नहीं मानी, ये सबका विश्लेषण का समय नहीं है। जो मैंने अपील करनी थी मैंने कर दी, फिलहाल मैं अपनी परेड में हूँ, इसमें शांति बनी रहे ये मेरी पहली जिम्मेवारी है, मैं अभी इसके अंदर समय दूंगा। धन्यवाद योगेंद्र जी। अब आप तमाम किसान नेताओं के साथ फोन से जुड़े हुए होंगे, हम आपसे यही कहेंगे कि अपील क्या आप कर रहे हैं कि किसानों को अब शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौटना चाहिए? मैंने 3 बार अपील कर दी है, मैं 4थी बार फिर अपील कर रहा हूँ, वापस आइए, जो रूट दिया गया है उस रूट पे टिकिए, और उसमें से किसी तरह का कोई अनुशासनहीनता नहीं हो। शांति हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है, शांति से अगर हम पीछे हटेंगे अशांति होगी, हमारा आंदोलन कम होगा, किसान बदनाम होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से 4थी बार अपील कर रहा हूं कि इसे जो भी किसी भी कारण से रूट से अलग हुए हैं वो वापस आए, और केवल अपनी व्यक्तिगत अपील नहीं कर रहा, संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी सब साथियों की तरफ से भी जो टीवी पे नहीं है उनकी तरफ से अपील कर रहा हूं कि हम वापस आए, लौट के आए, अपने रूट पे रहे, उसी से आंदोलन मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं देश को शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हमें लगातार मिल रही हैं। किसान नेता शिव कुमार कक्का जी, कक्का जी कहाँ हैं आप, ये क्या हो रहा है? वहीं पर हम आए हैं, जो हो रहा है पर कक्का जी ये तो वादा खिलाफी है ना, आप तो गणतंत्र के आज कहा जाए कि जो शान है, जो सम्मान है, सबको ठेस पहुंचते हुए इस समय हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में। है कि जो अनुशासित संगठनों ने जो हमने पहले कहा था, प्रशासन ने भी कहा था कि यदि पुलिस प्रशासन कक्का जी, लगातार जब पुलिस आपसे कह रही थी कि कानून व्यवस्था की दिक्कत आ सकती है, आप ये वादा कर रहे थे, अब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं जिस तरीके से ट्रैक्टर लेकर बेकाबू होकर वर्दी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश किसान भाइयों के द्वारा की जा रही है। हेलो जी कक्का जी, वर्दी के ऊपर किसान ट्रैक्टर चढ़ाने को तैयार है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं अब? किसान कुछ सामाजिक कर गए हैं जिसके तत्काल जहाँ हो आप वापस और वापस लौट कर शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश करें, हर हाल में हमको शांति व्यवस्था कायम कर सकते हैं। शिव कुमार जी, कक्का जी, ये तो आप भी जानते हैं ना कि गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो एक तयशुदा रास्ते पर शान के साथ निकलती है, आपने जिस रास्ते का वादा किया था ये वादा खिलाफी आपके द्वारा की गई है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अब आप इसकी जिम्मेदारी लें और इस आंदोलन को यहीं का यहीं खत्म करें? कक्का जी, आप एबीपी न्यूज खोलिए इस समय और देखिए कैसे एक किसान, युवा किसान उस खंभे पर चढ़ा हुआ है जहां राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाता है, क्या आज शर्मिंदगी आपको नहीं हो रही इन तस्वीरों को देख के?
कर रहे हैं, दुखी है, तो ये पर्याप्त मेरे शब्द हो सकते। ABP News आपको रखे आगे।